हैदराबाद हमारी जो INCT गई है उन्होंने अस्पतालों का, सेंट्रल ड्रग स्टोर, शेल्टर होम्स, मंडी इत्यादि का दौरा किया। उन्होंने पाया कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट्स, PPE किट्स इत्यादि उपलब्ध हैं। राज्य सरकार एक एंड टू एंड IT डैशबोर्ड यूज कर मरीजों की टेस्टिंग से डिस्चार्ज तक ट्रैकिंग कर रही है। उन्होंने गांधी अस्पताल भी विजिट किया जो COVID-19 के लिए स्टेट नोडल सेंटर है, और यहां टीम ने पाया कि इलाज और डिस्चार्ज के सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जा रहा है। इस अस्पताल में प्रदेश के 93% से ज्यादा केसेस का इलाज किया गया है और यहां पे 300 टेस्ट प्रतिदिन करने वाली लैबोरेटरी भी है। इलाज होने के बाद अस्पताल की गाड़ी पेशेंट को घर तक छोड़ती है और मोबाइल संदेश द्वारा भी 14 दिन होम क्वारंटाइन की सूचना देती है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को फ्री वाईफाई इत्यादि की भी सुविधा दी गई है। टीम ने किंग कोटी जिला अस्पताल का भी दौरा किया, वहां भी सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन हो रहा था और सैंपल कलेक्शन की सुविधा भी थी। टीम ने वहां सुझाव दिया कि अस्पताल में डॉनिंग और डॉफिंग एरियाज को दूर दूर होना चाहिए, कर्मचारियों और मरीजों के लिए अलग अलग कॉरिडोर होने चाहिए। कुछ वार्डों में अटैच शौचालय नहीं थे। टीम ने सलाह दी कि इन वार्डों में मरीजों को भर्ती ना करें जिससे कि सब लोग कॉमन कॉरिडोर में एकत्र ना हों। टीम ने हुमायूं नगर का कंटेनमेंट जोन भी विजिट किया जिसको बैरिकेड किया गया है। हाउस टू हाउस सर्वेलेंस वहां चल रही है। आवश्यक सामान और सेवाएं निगम द्वारा डोर स्टेप पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके लिए निगम स्टाफ और कंटेनमेंट जोन के निवासियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। कुछ हिस्सों में पुलिस द्वारा ड्रोन की मदद से निगरानी भी की जा रही है। टीम ने क्वारंटाइन सेंटर भी विजिट किया और वहां की स्थिति संतोषजनक पाई। INCT ने सेंट्रल ड्रग स्टोर का स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखा जिसके द्वारा 44 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में दवाइयों के स्टॉक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। टीम ने एक शेल्टर होम का भी मुआयना किया। यहां सरकार द्वारा भोजन और अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुएं प्रदान की जा रही है। MyGHMC ऐप के द्वारा वे फूड कियोस्क की भी जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मोबाइल कैंटीन्स का बंदोबस्त किया है जो ओल्ड एज होम्स, नाइट शेल्टर्स, ऑर्फनेजेस, ट्रांसजेंडर्स को भी भोजन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। टीम ने अधिकांश स्थानों पर लॉकडाउन का अनुपालन सफल पाया और इसमें कम्युनिटी लीडर्स का भी योगदान रहा है। टीम ने यह भी पाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का अधिकांशतः पालन किया जा रहा है, परंतु कुछ निर्माण साइट पर उन्होंने श्रमिकों को बिना मास्क के पाया। टीम ने संबंधित अधिकारियों को ध्यान रखने के लिए सुझाव दिया और श्रमिकों का नियमित मेडिकल चेकअप कराने के लिए कहा।